पापुम परे युवा मोर्चा दली अमिता के जो नेतृत्व में और जैसे सोनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का गाइडेंस में यहाँ सगली में 9 ईयर्स मोदी गवर्नमेंट 7 ईयर्स पेमा खांडू गवर्नमेंट डबल इंजन सरकार का कम्प्लीशन 9 ईयर्स 7 ईयर्स का कम्प्लीशन का सेलिब्रेशन है। तो बाइक रैली हमारा जो युवा मोर्चा ने ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पब्लिक मीटिंग भी कंडक्ट कराया और जितने भी जो हमारा मोदी का अचीवमेंट के बारे में पेमा का अचीवमेंट के बारे में काफ़ी चर्चा किया आज। उसके पश्चात हम लोग आज इसी सेकेंडरी स्कूल लेपोरियांग में हम लोग हमारे जो युवा मोर्चा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया, ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम किया। और आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज जो युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हम सभी को देखने को मिला है कि बीजेपी कार्यकर्ता के बीच में पंचायत लीडर्स और जितने भी मोर्चा से पेरेंट्स से सगली में एकजुट है, एक ही बीजेपी है। 2019 में थोड़ी सी बीजेपी राइवल कैंडिडेट उठने का वजह से हम लोग हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार पंचायत इलेक्शन से लेकर के जो दो कैंडिडेट थे एकजुट होके, एक पार्टी होके, एक टीम होके हम लोग बहुत शक्तिशाली के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मिशन 24 कामयाबी को हम सभी यहाँ दिखने को मिल रहा है सगली में आज का दिन में। और काफ़ी मोदी का जो अचीवमेंट, जैसे यहाँ होलोंगी में हम लोग को एयरपोर्ट दिया है 2000 में मोदी जी आया और 2020 में मोदी जी आया, इनोग्रेशन किया, ये जो शिलान्यास किया, फाउंडेशन स्टोन ले किया और 2022 में आके इनोग्रेशन करके उद्घाटन करके चला गया। होलोंगी में ईटानगर में फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट होने से जन सुविधा बहुत अच्छा हो गया और ईटानगर से गुवाहाटी पहले हम लोग 8-8, 9-9 घंटा ये ट्रांसपोर्ट स्टेट ट्रांसपोर्ट में जाया करता था और टैक्सी में और अपने अपने गाड़ियों में, और बहुत ही दिक्कतें हम सभी को सामना करना पड़ा। लेकिन एयरपोर्ट हमारे मोदी जी और पेमा जी का जो नेतृत्व में, जबरदस्त नेतृत्व में मिलने के वजह से आज ईटानगर से गुवाहाटी सिर्फ 40 मिनट फ्लाइट में बैठा और गुवाहाटी पहुंच गया, पता ही नहीं चलता है। और आज यहाँ हमारा जो है बिग फ्लाइट, बड़े फ्लाइट होलोंगी ईटानगर एयरपोर्ट से कोलकाता एवरीडे जो फ्लाइट जो है, ये भी बहुत बड़ा सुविधा। मैं भी उस दिन में कोलकाता जाके आया, फिर कोलकाता से होलोंगी वापस आ गया और बहुत ही जल्द ईटानगर एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली की ओर फ्लाइट शुरू कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और ख़ास करके यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इंटरनेट टावर के लिए, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए बहुत तकलीफ था, लेकिन आज मोदी जी का डिजिटल इंडिया कॉल में सर्कल सर्कल में अभी जो टावर का काम कर रहा है और सर्कल सर्कल में जहाँ जहाँ टावर लगाया गया है नेटवर्क आ चुके हैं। और ये जो ये जंगल में बैठ करके एक इतने इंटीरियर गांव में इंटीरियर गांव वाले एक गांव से दूसरा गांव में बैठ करके ऐसे बात करना, ये तो ईश्वरीय ग्रंट बोलूँगा, इट इज़ ए ब्लेसिंग, मैंने इट्स लाइक ए मैजिक ना। पहले जमाना में एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ चढ़ने के लिए हम लोग को दिन भर लगता था और एक दूसरा को संपर्क करने के लिए कम से कम 10-12 घंटा वॉकिंग करना पड़ता है जंगल में, हाँ। लेकिन अभी तो 1 मिनट में 1 सेकंड में हम लोग एक दूसरा को, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ जहाँ जहाँ हमारा बस्ती गांव है, एक दूसरा को संपर्क कर सकता है। ऐसे बहुत सुविधा लेपोरियांग में भी, सगाली में मिला, उसके लिए मैं मोदी और पेमा खांडू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और खास करके यहाँ ये घर घर गाँव गाँव जैसे मिशन 2024 मोदी जी का है, हर घर हर गांव सड़क, लगभग हर घर हर गांव मिशन 2022 जो हमारा मोदी जी का मिशन है सगाली में ऑलमोस्ट फुलफिल है। और जितने भी सगाली में यहां विकास हुआ है, लैट्रिन बाथरूम बनाया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, वो भी बहुत सेटिस्फैक्टरी है। और खास करके हमारा यहां का मंडल यूनिट और हमारा जो बीजेपी के मोर्चा हेड्स लोग गाइड किया और चेक एंड बैलेंस भी किया और हर गांव में हर घर में लैट्रिन बाथरूम मिलने की वजह से हमारे माँ बहनें बहुत सुरक्षित एहसास कर रहे हैं सगाली में। और बहुत कुछ है, हाँ, जैसे कि आप लोग आज बाइक रैली किया गया है तो साथ ही साथ शायद ये भी प्रिपरेशन कर रहा होगा आने वाला चुनाव के लिए आप लोग। हाँ, ये बिल्कुल इट्स ए पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर मिशन 2024।
लास्ट टाइम आपने यहाँ सक्सेस नहीं हुआ, इस बार बीजेपी कैंडिडेट रहा, लेकिन इस बार आपका क्या मेन एजेंडा, क्या लेके आएंगे फिर से दोबारा? मेन एजेंडा विकास, विकास, विकास और विकास। मैं बोलना चाहूँगा कि सगाली कैपिटल से इतना सामने है, जबकि सगाली सेकेंड कैपिटल होना चाहता, होने को मौका नहीं मिला, और कैपिटल में जगह बहुत कम हो गया। डेवलपमेंट करने का, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ले आने का हमारे केंद्र सरकार और स्टेट के सरकार जमीन ढूंढ ढूंढ के हैरान होता है, लेकिन किसी ने ऐसा व्यवस्था सगाली को सेकंड कैपिटल बनाने के लिए प्रयास नहीं किया। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि सगाली में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने का, बड़ा एक हॉस्पिटल बनाने का एक बड़ा मुद्दा है हमारा। और जितने भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या क्या ट्रेनिंग सेंटर्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो करोड़ों में जो जन सुविधा और स्टेट का सुविधा, बड़ा प्रोजेक्ट्स हम लोग यहाँ सगाली में प्रयास करके ले आने के लिए कोशिश करेंगे। और आज ये भी मैं ऐलान किया है कि ये लेपुरियंग जो है बहुत सुंदर जगह या पहाड़ है, लेकिन उतना ऊंचा पहाड़ नहीं है, ऐसे ऐसे पहाड़ है कि कोई भी पहाड़ के अंदर में होम स्टे बना करके कोई भी फॉरेनर या इंडिया के टूरिस्ट या असम से या अरुणाचल से भी यहाँ आके यहाँ का सुंदरता को आनंद ले सकते हैं। बहुत बड़े बड़े टूरिज्म में प्रोजेक्ट्स ले आ सकते हैं। बहुत बड़ा सपना है, लेकिन हम लोग का प्रयास जो है 2024 में मिशन 24 को कामयाब करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहा हूँ। सर आप अभी बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पेमा सरकार ने पूरा स्टेट में सब डेवलपमेंट काम स्मूथली चल रहा है, लेकिन सगाली में अभी 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 आपने बोला कि सगाली में डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा, क्या रीजन है इसमें? सगाली में डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं होने का वजह से ये जो जितने भी दुख है, तकलीफ है, लेकिन इसमें ऐसे है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सगाली में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो जे सर्कल में आना चाहता करोड़ों में, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट तो सगाली में बंद हो गया। यहाँ सगाली में हमारा जनता ने जिसको विकास के लिए चुना है, शायद उनका जिम्मेदारी में थोड़ा सा इन 5 सालों में कमी आ गया होगा, लेकिन हमारे जो सरकार जो है, पेमा खांडू सरकार जो है, पब्लिक के लिए जो पैसा दे, SIDF में, RE में, BE में, कम से कम साल में 40-45 crores हमारे MLA के हाथ में तो देता है पब्लिक का डेवलपमेंट के लिए। और जहाँ जहाँ ये जो सड़क बन रहा है, अप्रोच रोड बन रहा है, कलवर्ट बन रहा है, और जहाँ जहाँ जो ये जो ब्रिजेस बन रहा है छोटा छोटा और कनेक्टिविटी कर रहा है, हमारा पेमा खांडू जी का जो वेलफेयर गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा सरकार जो है सभी को पब्लिक के लिए, पब्लिक का वेलफेयर के लिए सोच के काम करता है। कौन सा क्षेत्र में कौन सा ओपोजिशन MLA उसको देखता नहीं है, बराबर पैसा देता है। जो जैसे हमारा सगाली में विधायक तो कांग्रेस है, आपको पता है, लेकिन उनको भी तो 40-45 thousand SIDF, RE, BE और अलग अलग जो स्कीम्स है, डेवलपमेंट स्कीम्स है, जो MLA का थ्रू से देता है पब्लिक को देने के लिए, वहाँ से बिल्कुल बहुत मतलब बड़े तादाद में मुहैया किया गया है पब्लिक के लिए। उसका मतलब आप कहना चाहते हैं ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा? ग्राउंड लेवल में जो होना चाहते बिल्कुल नहीं हुआ, ये तो सही बात है, ये बहुत मतलब दुखद कहानी है सगाली में। तो अभी आप यहाँ का नेटिव है, तो यहाँ बेसिक फैसिलिटीज मतलब जो कॉमन पब्लिक को जो ग्राउंड लेवल तक मिलना चाहिए था, तो बेसिक भी नहीं पहुँच पाया। अभी आप बोला कि चे सर्कल में आपका इलेक्ट्रिसिटी भी इवन नहीं है, जबकि बोल रहे हैं कि हर घर बिजली, जो आपका मोदी का नारा होता है कि हर घर जल हर घर बिजली उजाला योजना के तहत होना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है। हर घर जल तो पहुंच गया, और ये हर नल में पानी हो तो पहुंच गया। और जहां तक बिजली का सवाल है, जो कनेक्टिविटी मैंने जो बिजली को सही महीने से जो कनेक्ट करना चाहता है, यहाँ करने वालों जो जिसको जिम्मेदारी विकास के लिए दिया गया, उनका जो नेतृत्व जो है इस क्षेत्र में, करंट का क्षेत्र, बिजली का क्षेत्र में सही नहीं हुआ है। तो आज हम एक यहाँ ऐलान किया हमारा युवा मोर्चा का जो बाइक रैली में, कि हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ सगाली को ये 24 hours बिजली दिलाने का, एक पावर ग्रिड से हम लोग सगाली के लिए, यूपिया के लिए, क्यूमेन के लिए ये सीधा कनेक्ट करने का प्रयास बहुत जोरों से चल रहा है। और आज के हमारा जो युवा के जो बाइक रैली में ऐलान भी किया है, बहुत जल्द ये जो समस्या को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। ये आने वाला इलेक्शन के लिए हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता, स्पेशली जो सगाली एरिया और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो कार्यकर्ता, बहुत जोर से लगा हुआ है। और जितने भी पार्टी का जो प्रोग्राम आता है, मैं स्पेशली ये 15 सगाली में ही सब
पार्टी का प्रोग्राम को जोरदार लगा हुआ, क्योंकि कांग्रेस मुक्त यह जो अरुणाचल करवाना है, तो यहाँ इतने सालों में यहाँ कोई भी इसमें यह जो स्टेट नहीं दिया, तो मेरे कार्यकाल में 2024 को कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त अरुणाचल ये मिशन में यह जो अभी लगा हुआ, इसलिए जितना भी पार्टी का कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आते हैं, तो उन सबको भी मैं स्पेशली सगाली एरिया और इंटीरियर जहाँ जहाँ जनता जो अब तक पार्टी का जो विषय और जो हमारे केंद्र और राज्य सरकार का जो स्कीम का जो विषय में जो लोग मालूम नहीं, उन तक हमारा पार्टी का जो कार्यकर्ता पहुँच के पूरे कागज के साथ ऑडियो वीडियो के साथ हर एक चीज़ को बताएंगे। यहाँ अब तक नेटवर्क ये जो प्रॉब्लम का वजह से हमारा जनता मालूम नहीं है, तो अभी पारंग में जब नेटवर्क आने का बाद वहाँ का जनता अभी पूरा जान चुका है कि बीजेपी सरकार आने के बाद क्या क्या अब तक राज्य और केंद्र जो जनता के लिए किया है। तो इसलिए आप लोग का माध्यम से मैं यहाँ का जितना पिप्तिन सगाली का जनता को भी मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोग को चेंजेस सगाली को जो 30 साल में नहीं हुआ, वो 2024 को अगर यहाँ अगर चेंजेस और डेवलपमेंट यहाँ तेज़ी चलाना है तो बीजेपी सरकार को भरोसा कीजिए, और यही सरकार जो है इस पिप्तिन सगाली भूमि में हर एक चीज़ को बदलेगा, नक्शा चेंज कर देगा। मैं उम्मीद रखता हूँ यहाँ का जनता। आपका अभी का रिपोर्ट क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो स्कीम्स आता है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? आपका बीजेपी का जो वर्कर्स का रिपोर्ट क्या कहता है? देखिए, जो वर्कर्स का जो रिपोर्ट है, जो केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन है, तो गरीब को ये जो घर बनाना है, बहुत सा स्कीम यहाँ पहुँचा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस ये जो पार्टी के विधायक होने के कारण हमारा जनता को एग्जैक्ट चीज़ को नहीं बताते हैं, क्योंकि यहाँ क्योंकि हमारा यहाँ ये जो आप लोग देखा है, क्योंकि हमारा जो इंटीरियर वाले बस्ती वाले जो भी बाहर से आकर बताते हैं वो बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, असली में ऐसा नहीं है। जितना यहाँ जल जीवन मिशन है ये केंद्र सरकार का है, जो फ्री ऑफ कोर्स जो राशन चावल दिया, फ्री ऑफ कोर्स गैस दिया, पूरा केंद्र सरकार का है, और ऊपर से राज्य सरकार भी यह जो इसमें मिलकर पूरा नीचे क्षेत्र तक ऑल अरुणाचल जहाँ जहाँ यह जो रास्ता नहीं पहुँचा वह रास्ता पहुँचा रहा है, जहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं पहुँचा वह नेटवर्क लगा रहा है, तो ऐसा कर सही चीज़ को उन लोग नहीं बताते हैं। वो तो इस मुहिम में हमारा पार्टी कार्यकर्ता पूरा लगा हुआ है, और अब तक यहाँ का जो जनता लोग जो नीचे क्षेत्र का जनता लोग पूरा समझ गया कि कौन सा सरकार अच्छा है कौन सा बुरा है, और सब लोग यहाँ तारीफ कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। आज का ये भारतीय जनता युवा मोर्चा पपंपरे डिस्ट्रिक्ट की ओर से हमने यहाँ पे बाइक रैली का आयोजन किया है, जो कि हमारा महाजन संपर्क अभियान जो 10 तारीख से लेकर ये 30 तारीख तक चालू है, उसी के अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया है। और जैसे कि आप लोग आज बाइक रैली किया है, इसको आप लोग लेके कहाँ तक करेंगे? क्योंकि आज जैसे कि सरकार तक और भी है, जैसे सेल्स होंगे है, मेंग्यू है, वहाँ पे आप लोग करेंगे बाइक रैली? ऐसे है गोविंद भाई, बाइक रैली जो हम लोग दो ही करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक, जैसे सगाली में हम लोग एक बार करेंगे, अभी दैमक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार करेंगे, बाकी हम घर घर अभियान के तहत जाएंगे, फुट मार्च में जाएंगे, घर घर में जाएंगे, तौर तो तौर पर जीत करेंगे। फुट मार्च में आप लोग जाएंगे तो घर घर में जाके आप लोग क्या बोलेंगे? यही हम जायजा लेंगे कि हमारा सरकार ने जो जो उपलब्धियाँ दिया है तो आपको मिला ना, तो मिला तो मैं हम बताएंगे कि एहसास दिलाएंगे कि ये हमारा सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिया, इन्हीं बातों को लेके हम मुहिम चलाएंगे।